जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद जकरिया, आल इन्फो पाकिस्तान के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशनी वीडियो है तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप डेटा और किसी भी नंबर को चेक करना चाहें कि ये किसके नाम पे और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, तो उस हवाले से मैंने पहले एक दो वीडियोस बनाई हैं। तो वो जो एडमिन था, एडमिन पहले उसने फ्री ये लगाई थी वेब पर भी और एप्लीकेशन में भी, तो जब उसने देखा उसका यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसने उस पर चार्जेस लगा दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फेक है, फेक नहीं है, आप अगर उसको परचेज़ करना चाहते हैं पर लॉगिन को परचेज़ कर लें, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो आज जो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों कोशिश किया करें कि इसको अच्छे कामों के लिए यूज़ किया करें, इसमें 90% डेटा ठीक होता है और 1% गलत भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुकम्मल इसमें जो डेटा आ रहा होता है वो बिल्कुल ठीक आ रहा होता है, ये 2016 तक का डेटा आ रहा होता है तो ये तकरीबन सही होता है और इसमें 1% गलत होने के भी चांस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखें, अगर आप इसको मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप किस तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके लिंक मैंने उठाए हुए हैं, तो आपने क्या करना है इन लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आए हुए होंगे तो आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। पहला प्ले स्टोर का है, आपने ये ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर से जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैंने इनको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था और इसको मैं यूज़ भी कर रहा था, सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए मैंने उसको अनइंस्टॉल किया, इंस्टॉल के अनइंस्टॉलेशन के बाद इसको दोबारा अब वो कर रहा हूँ। जब तक ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ आगे आपने इसको क्या करना है। तो दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। ये पर्सनल ट्रैकिंग के नाम से है तो वो करिए कि इंटर नंबर, इंटर नंबर करें और सर्च करने के लिए आपके पास 100 क्रेडिट भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त 100 क्रेडिट नहीं है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इस वक्त 0 क्रेडिट हैं और वो कहती है नंबर चेक करने के लिए आपके पास 100 क्रेडिट होना चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे पास 100 क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 100 क्रेडिट नहीं है। मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि आपने ये क्रेडिट किस तरीके से हासिल करना है। ये चलते हैं हम आगे, अभी फ़िलहाल इसको शुरू करते हैं। आपने इसको यहाँ से बैक कर लेना है, बैक कर लेना है। ये मैसेज वाली जगह पर हम आ गए और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नंबर जो 2 है आपने उसको फिर ओके करना है। पहला इंस्टॉल हो गया हमारा, उसके बाद आपने लिंक नंबर 2 को ओपन करना है। तो ये लिंक ओपन हो रही है, तो ये भी पर्सनल ट्रैकिंग के नाम से है, गूगल के अंदर ये आएगी, ये उस प्ले स्टोर में नहीं आएगी। तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड के बटन को ज़ोर देना है, जैसे डाउनलोड के बटन को ज़ोर देंगे तो यहाँ पर भी आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों मेरा तकरीबन इसकी डाउनलोडिंग ये कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसको यहाँ से ओपन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपके पास 2 ऐप आ जाएंगे, आपने इन दोनों को लाजमी इंस्टॉल करना है, अगर आपने इन दोनों को इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम इसको डन कर देते हैं और हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो अब ये देखिए हमने 2 ऐप इंस्टॉल की थी, दोनों हमारे पास आ गई हैं। तो अब वो कहते हैं नंबर सर्च करने के लिए आपके पास 100 क्रेडिट होना चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये हमारे पास 0 क्रेडिट है। वो कहता है आपके पास 100 क्रेडिट होने चाहिए, हमारे पास इस वक्त 100 क्रेडिट नहीं है। तो आपने क्रेडिट इसका किस तरीके से लेना है, तो आपने ये इस बटन पर क्लिक करना है जिसके अंदर ये मैंने दायरा लगा दिया है। ठीक है, आपने इस बटन को क्लिक करना है, इस बटन को क्लिक करके आपके पास एक ऐड आएगा, आपने उस ऐड को मुकम्मल देखना है। मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। मैंने इसकी आवाज़ को बंद कर दिया है, ये ऐड आ गया, आपने इस ऐड को मुकम्मल देखना है।
ठीक है, ये 30 सेकेंड का ऐड होगा, जब आप इसको मुकम्मल देख लेंगे शायद आपके पास 50 वो आ जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो जैसे ये हमारी कंप्लीट होती है तो आगे हम देखते हैं इसको, क्योंकि जो जिन्होंने इस लिंक को बनाया है जारी बात है वो भी कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कमाएं। तो आपके पास अभी भी 0 शो हो रहा है, आपने एड्स को दोबारा देखना है। हम दोबारा, ये हमारे पास अब हवावे वाला आ गया है कोई, तो हम इसको यहाँ कैंसिल कर दें। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास वीडियोज़ आए, आप देख रहे हैं हमने ये 2 देखी हैं तो हमारे पास 150 आ गया। हम मज़ीद एक मरतबा इसको, जितने भी आप क्रेडिट लेना चाहते हैं आप यहाँ से इसके क्रेडिट्स ले सकते हैं। ये नहीं है कि लाजमी आपके पास उस वक्त वीडियो आए तो आपके पास कोई और भी आ सकता है। ये देख रहे हैं ये हमारे पास क्रेडिट 200 हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पर कोई नंबर सर्च कर लेते हैं। ये जैसा कि मैंने अपना नंबर सर्च कर लिया है तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये अब दोबारा ऐड आ गया, आपने इस ऐड को दोबारा कैंसिल कर देना है। जैसे आपने इस ऐड को कैंसिल करेंगे तो ये नंबर ऊपर इसके नाम आ जाएगा, जैसे ये मोहम्मद आ गया है तो आप इसको मोर डिटेल में भी जा सकते हैं गेट CNC। वो कहता है कि इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर देखने के लिए आपको वो जो पर्सनल ट्रैकिंग ID दूसरी हमने डाउनलोड की थी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी हमने क्रेडिट कहाँ से लेनी है, इसका भी वही तरीका कार है। हमारे पास इस वक्त क्रेडिट ये देख रहे हैं 0 है ना, वो कहता है कि आपके पास ये 100 क्रेडिट होना चाहिए, हमारे पास क्रेडिट 0 है तो हमने कर लेना है ये, इस बटन पे आपने दोबारा से क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये दायरा मैंने लगाया है, आपने इस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो 8-10 मिनट मांग रही है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं देखते हैं ये हमें क्या कहती है। यहाँ पर फ़िलहाल कोई ऐड नहीं आ रहा, शायद ये वीडियो भी चल रही है तो नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपने कुछ देर यहाँ पर वेट कर लेना है, ठीक है, कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद देखते हैं हमारे पास ऐड आएगी तो हम उस ऐड को देखेंगे। अभी भी ऐड नहीं है, हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास भी इसी तरीके से ऐड ना आ रही हो तो ये क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है तो इसमें बहुत लोडिंग आ जाती है, तो आपने यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसे थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली इसमें एड्स अब तक हमारे पास आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है, हम इसको बैक कर लेते हैं। आपने इसी तरीके से वो करना है तो उसके एड्स भी आपके पास आ जाएंगे और आप वहाँ से इसका शिनाख्ती कार्ड देख सकेंगे। हम एक मरतबा दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। शायद मेरे पास नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप इसके इसी तरीके से यहाँ से भी इसका क्रेडिट जो है ले सकते हैं। क्रेडिट का तरीकाकार मैंने उसका भी आपको बता दिया और इसका भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद अब मैं आपको एक तीसरी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, उसमें ना आपको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ की भी आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत ही ईजी तरीका है, तो आपने उसको देख मुकम्मल लेना है वीडियो को, उसके बाद आप उसको कर लेना। ये उसके बाद आपने ये तीसरा लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, लिंक नंबर 3, तो आपने उसको भी ओपन कर लेना है। जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो ये गूगल के अंदर चला जाएगा। ये गूगल के अंदर हम देख लेते हैं, PAK टूल किट है, ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये फ्री चल रही है। तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड के बटन पर जाकर आपने इसको, ये शायद ये है भी, इसका कलर भी वाइट है तो ये आ नहीं रहा, तो आपने ये डाउनलोड के बटन को यहाँ से ओके करना है। ये मैंने डाउनलोड के बटन को ओके किया तो उसके बाद ये देख रहे हैं मेरे पास शायद ऑलरेडी डाउनलोड थी या ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये मेरे पास इधर आ गई, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है।
जैसा कि ये इंस्टॉल हो रही है। तो उसके बाद आपने डन कर देना है। डन के बाद आपने अपने मेन पैनल पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका आ गया है, कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आ गया है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे कोई चीज़ भी नहीं मांगेगा, सिंपली आपने यहाँ पर नंबर इंटर करना है अपना। ठीक है, ये नंबर इंटर किया तो नंबर इंटर करने के बाद आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये देख रहे हैं ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ गई है। ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है। मैं यहाँ पर कोई और नंबर देख लेता हूँ। अब ये मुझे पता नहीं है ये किसका नंबर है, लेकिन मैं इसको डायल कर रहा हूँ। ये मैं नहीं जानता किसका नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायल कर लेता हूँ। वो कहते हैं नो रिकॉर्ड फोन, शायद हमने कोई नंबर गलत डायल कर दिया है। हम इस नंबर को देख लेते हैं ये हमें क्या कहती है। ठीक है, आपने दोस्तों इस तरीके से इसको देखना है तो आपके पास इसकी मुकम्मल, हाँ आप जब आपके पास ये शिनाख्ती कार्ड नंबर आ गया है तो आपके पास कहीं वो नहीं आ रहा इसका नेम, जैसे ऊपर इसका नेम सिर्फ मोहम्मद शो रहा है, अगला नेम नहीं आ रहा, तो आपने ये शिनाख्ती कार्ड नंबर इसका कॉपी कर लेना है जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरीके से इसका नाम भी आप जान सकेंगे। ये हम इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर किसी और जगह पर लिख लेते हैं। तो उसके बाद आपने राइट मैसेज में चले जाना है। यहाँ पर आपने न्यू मैसेज टाइप करना है। न्यू मैसेज में आपने वही शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो कि वहाँ पर हमें मौसूल हुआ था। उसके बाद हमने ये नंबर कंप्लीट लिख लेते हैं तो हम इसको सेंड कर देंगे 7000 पर। ये जैसे ही हम इसको सेंड कर देंगे तो वापसी में रिप्लाई में इसका हमें नाम मिल जाएगा। शायद दोस्तों मेरे पास इसमें बैलेंस ना काफ़ी होने की वजह से ये मैसेज नहीं गया, तो हम इसको दोबारा से ट्राई कर लेते हैं बैलेंस डाल के। ठीक है, अब हम शायद ये मैसेज रिसेंड नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा से रिसेंड कर देते हैं। ये हमारा मैसेज अब सेंड हो गया है तो उसके बाद हमें वापसी इसके रिप्लाई का इंतज़ार है। ये देखें रिप्लाई भी हमें आ गया और उसमें उसका नेम और उसके वालिद का नेम, दोनों का नेम ये आपके सामने वाजे हो रहा है, मोहम्मद यूसुफ वल्द ग़ुलाम हैदर। ठीक है, आप इस तरीके से भी उसका नेम चेक कर सकते हैं। उम्मीद तो करता हूँ पहले वहाँ पर नेम आ रहा होगा, अगर नेम ना आ रहा हो तो आप इस तरीके से भी वहाँ उसका नेम देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।